इस तरह से चीजें आप लोग को बीच बीच में मैं करता रहूंगा, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये मेरा डिलीवरी मॉड पसंद आएगा और क्लासिफाई कर रहा है। तो इस तरह की चीजों को जब हम लोग इस तरह के प्रोसेस को यूज करते हैं उसको पर्टिकुलरली हम लोग कहते हैं क्लासिफिकेशन। और क्लासिफिकेशन का पर्पज क्या होता है? पर्पज तो एक ही है, सिंपल, दैट यू वॉन्ट टू कन्वर्ट योर होल डेटा इन टू द मीनिंगफुल मैनर, दैट इज बाई अरेंजिंग द डेटा इन टू इट्स डिफरेंट सॉर्ट ऑफ क्लासेस। और इससे क्या होता है, डेटा सिंप्लीफाई हो जाता है और आप चीजों को कंपेयर कर पाते हैं कि यदि हमारे पास स्टैंडर्ड एम्बियंट लेवल से कितने दिन हमारा जो पोल्यूशन लोड था वो ज्यादा था और कितने दिन कम था, इस तरह की बातें आप कर पाते हैं। तो फंक्शन ऑफ क्लासिफिकेशन यही है और बहुत ही कॉम्प्लेक्स भी नहीं है। और जनरल तौर पे यदि आप क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो चार पार्ट में डिवाइड किया जाता है, स्पेशियल, टेम्पोरल, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव। यदि आप 2-3 साल का डेटा पोल्यूशन का कन्वर्ट ले रहे हैं, दैट कैन बी रिफ्लेक्टेड एज अ टेम्पोरल क्लासिफिकेशन। यदि आप 8-10 सिटीज का डेटा ले रहे हैं, दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू द जियोग्राफिकल क्लासिफिकेशन। आप यदि किसी क्वालिटी के बेस पे अपने डेटा को सेग्रीगेट कर रहे हैं, से फॉर ए मोमेंट आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, कितने नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का डेटा आपने कलेक्ट कर लिया और उसको आपने मेल और फीमेल में डिवाइड कर दिया है, दैट इज अ क्वालिटेटिव डेटा, क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन वी कैन से। और जब हम लोग किसी नंबर के बेस पे क्लासिफाई करते हैं, से फॉर अ मोमेंट वी आर क्लासिफाइंग द पोल्यूशन लोड डेटा बेस्ड ऑन द 4 क्लासेस एंड 1 क्लास इज रेंजिंग फ्रॉम 10 to 15 ppm, 15 to 20 ppm, 20 to 25 ppm एंड 25 to 30 ppm। तो इस तरह की क्लासिफिकेशन जब आप लोग करते हैं तो उसको बोलते हैं क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। तो चार क्लासिफिकेशन है और कई बार एक ये 2-3 ग्रुप मर्ज भी हो जाते हैं। कई बार आपको जो टेम्पोरल और स्पेशियल साथ साथ डेटा मिल जाता है, जैसे आपको 4 सिटीज का डेटा पिछले 4 साल का कलेक्ट करना है, तो स्पेस भी आ गया, टेम्पोरल भी आ गया, तो स्पेसियो टेम्पोरल सॉर्ट ऑफ क्लासिफिकेशन है वो। लेकिन आपके बेस में जो है चल रहा है वही स्पेशियल और टेम्पोरल चल रहा है। तो आप अपने डेटा को समराइज करने का ये प्रोसेस है। बहुत से एग्जाम्पल्स हैं, जो मैं आपसे बात कर रहा था वही एग्जाम्पल है। देन वी कम टू द टेबुलेशन। टेबुलेशन इज अगेन ए लॉजिकल एंड सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टैटिस्टिकल डेटा या डेटा जो भी आपके पास है। अब टेबुलर प्रेजेंटेशन में बेसिकली ये एक मैट्रिक्स के फॉर्म में हो जाता है और फंक्शन जो टेबल का है, फंक्शन वही है, टू क्लरिफाई द ऑब्जेक्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, टू सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा। कभी कभी टेबल से चूंकि वो कहीं ना कहीं लिंक्ड होता है क्लासेस उसके, तो आपको एक ट्रेंड भी पता लग जाता है और कंपैरिजन तो फैसिलिटेट करता ही है कि एक क्लास से दूसरे क्लास में क्या पोजीशन है, क्या स्टेटस है, एक क्लास में ज्यादा है कि दूसरे क्लास में ज्यादा है, इस तरह की चीजें आपको टेबुलेशन से पता लग जाती है। एग्जाम्पल ऑफ टेबुलेशन आप देखिए, जैसे कि फॉरेस्ट टाइप्स। फॉरेस्ट टाइप्स कई 16 तरह के फॉरेस्ट टाइप्स है इंडियन फॉरेस्ट में। अब वहां पे यदि आपने उस फॉरेस्ट टाइप में आपने कई चीजें निकाली, मान लीजिए ये तो थोड़ा सा ज्यादा हो गया, आप लिख सकते हैं कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं उस फॉरेस्ट टाइप में, कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, उसकी डेंसिटी कितनी है। इस तरह की जब चीजें आप निकालते हैं, इस तरह की चीजें जब आप बनाते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं टेबुलेशन। तो टेबुलेशन में ये है, टेबुलेशन में जो अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे एक टाइटल लिखना पड़ता है और टाइटल में जितनी इंफॉर्मेशन टेबल के हो सकते हैं उन सारी की सारी चीजों को उसमें इन्फ्यूज करना चाहिए। जैसे इस टेबल का टाइटल क्या होगा, आप लोग में से कोई बताएगा इस टेबल का टाइटल क्या होगा? एनी वन ऑफ यू? कोई नहीं, तो मैं आपको बताता हूं। दिस टाइटल मे बी द वेरियस एट्रीब्यूट्स एंड द क्लाइमेटिक फीचर्स ऑफ द वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया इन। अब डेट भी देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा आपको, अदरवाइज ये जो जो टाइटल है वो पूरा नहीं है, उसमें आप देना पड़ेगा ईयर 2021। तो आपने टाइम भी बता दिया, आपने स्पेस भी बता दिया, आपने करेक्टराइज कर दिया कि ये फॉरेस्ट टाइप है और आपने ये भी करेक्टराइज कर दिया कि कौन से वेरिएबल बेसिकली आप एड्रेस करना चाह रहे हैं। दैट्स व्हाई आई टोल्ड दैट द वेरियस एट्रीब्यूट्स एंड द क्लाइमेटिक फीचर्स ऑफ द फॉरेस्ट वेरियस फॉरेस्ट टाइप्स ऑफ इंडिया इन 2021। तो आई मीन टू से कि जो जो टाइटल है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दैट इंपॉर्टेंस हैज टू बी इन सच ए मैनर कि आप जो बोलना चाह रहे हैं लोगों को समझ में आ जाए। उस टाइटल को पढ़ते ही मुझे समझ में आया कि आपके टेबल में बेसिकली है क्या। हमारी ब्यूटी यही है,
हम लोग इंटेलेक्चुअल लोग हैं, इसीलिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि हम चीजों को ऐसे प्रोड्यूस करें कि लोगों को बेहतर तरीके से चीजें समझ में आ जाए। तो ये एक टेबल का एक एग्जांपल है। इसके बाद अब आपके पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ हम थोड़ा सा आपको शिफ्ट करना चाह रहे हैं, और उसमें दो तरह की बातें होती हैं बेसिकली। डेटा के बेस पे इस तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किए जाते हैं, एक क्वालिटेटिव पे और एक क्वांटिटेटिव पे। क्वालिटेटिव डेटा को भी आप दो पार्ट में देख सकते हैं, एक हो सकता है टेबुलर मेथड और एक होता है ग्राफिकल मेथड, एंड फॉर क्वांटिटेटिव आल्सो, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, वो बीच में मैं चर्चा कर लूंगा। टेबुलर मेथड में आपको बेसिकली फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाना पड़ता है, और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में के ही कंपोनेंट है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, और ये सिंपल मैथमेटिकल है। आप पहले नंबर में बता दिए 2, 3, 2, 3, 5, और दूसरी बार आपने बता दिया कि ये 20%, 30% और 50%, तो प्रोपोर्शन हो गया। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब उस 10 के रेस्पेक्ट में कितना है, तो 0.2% है, 0.3% है, 0.5% है। आसान है, मतलब आपको बहुत ही प्रॉब्लम होने की जरूरत नहीं, इट्स वेरी सिंपल, कॉमन सेंस। क्वालिटेटिव डेटा में ग्राफिकल मेथड जो है वो दो तरह से बातें की जाती है, एक पाई चार्ट के थ्रू एक की जाती है और बार चार्ट के थ्रू की जाती है, और क्वांटिटेटिव में ये थोड़ा सा बढ़ जाता है, हिस्टोग्राम की भी बात करने लगते हैं और बॉक्स प्लॉट की भी बात करने लगते हैं, स्कैटर डायग्राम की भी बात करने लगते हैं। तो वन बाई वन मैं आपको बीच बीच में बताता रहूंगा। पहला जो काम है, पहली जो बातें हैं, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बहुत ही आसान। हाउ द फ्रीक्वेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड among the various classes is known as the frequency distribution. बड़ा सामान्य सी बात है, कैसे frequency जो है, जो units की frequency है वो अलग अलग class में किस तरह से vary कर रही है, किस तरह से distribute है, उसको बोलते हैं frequency distribution। और बाकी हमने बीच में बात की थी और आपको बताऊंगा बीच में, जैसे हम लोग आगे आगे बढ़ते रहेंगे बताते रहेंगे। और चूंकि आपने एक क्लास रखा हुआ है और उसमें नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रखा हुआ है, तो ये एक टेबुलर रिप्रेजेंटेशन हो गया, एक मैट्रिक्स फॉर्म में हो गया, जहां पे की रोज है और कॉलम है। और इस मैट्रिक्स के फॉर्म में जब आप टेबल का टाइटल और रो का टाइटल बता देते हैं और कॉलम का टाइटल बता देते हैं, तो ये टेबल हो जाता है। तो ये बेसिकली आपको हमेशा ध्यान रखना है कि रोज और कॉलम और टेबल की टाइटल इतनी बढ़िया हो, इतनी खूबसूरत हो कि लोग उसको पसंद करें। और जैसे क्वालिटी ऑफ ऑर्चर्ड में, जो क्वालिटी ऑफ ऑर्चर्ड है उसमें हम लोग ट्रीज के बेस पे बताना चाह रहे हैं कि उस ऑर्चर्ड की क्वालिटी कैसी है। तो आप पे ऑर्चर्ड में ट्रीज हैं और फॉरेस्ट नर्सरी में छोटे छोटे सीडलिंग्स हैं। अब 20 सीडलिंग्स को लोगों ने, एक कोई एक्सपर्ट है, उन्होंने इवेल्युएट किया है, और 5 जो एक्सेलेंट, अबव एवरेज, एवरेज, बिलो एवरेज और पुअर के बेस पे, उसके परफॉर्मेंस को, उसके ग्रोथ के बेस पे उन्होंने उसको कैटेगराइज किया हुआ है, एंड वी गॉट द डेटा। दिस बिलो इज द डेटा। अब जैसे ये डेटा आपके पास आएगा और कोई आपसे पूछेगा आप बताइए कि इसका मतलब क्या हुआ, तो आप तुरंत ही बताएंगे कि इसको हम लोग तुरंत एक, चूंकि ये 5 चीजें हैं तो 5 का हम लोग एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं। तो दिस इज द ब्यूटी, दिस इज द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। रेटिंग इज द टाइटल ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, दिस इज कॉलम। सो पुअर, बिलो एवरेज, एवरेज, अबव एवरेज, एक्सीलेंट, और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आ गई। जितनी बार पुअर आया है, आप पीछे टेबल में देखेंगे तो पुअर 2 बार आया है, एक यहाँ पे आया है और एक यहाँ पे आया है। तो 2 बार जो पुअर आया था उसकी फ्रीक्वेंसी मतलब 2 हो गई। फ्रीक्वेंसी का मतलब कितने टाइम्स वो पर्टिकुलर चीज उस पूरे डेटा में आकर हो रहा है, तो पुअर 2 बार आकर हो रहा था और अबव एवरेज 9 बार आकर हो रहा था। तो हमारी जो पूरी जो ये था, हमने इसको एक रेटिंग के हिसाब से और फ्रीक्वेंसी हमने एक टेबल में लिख दिया, और टोटल जो ऑब्जर्वेशन था वो था 20। तो हमने इसको पूरा कर दिया। अब देखिए कि इसके बाद हम इसका और क्या क्या कर सकते हैं। बड़ा आसान है, मतलब इसमें कुछ ऐसा टेक्निक लगा नहीं है, आपके पास जो डेटा था आपने बस सिंपल से उसको प्रोजेक्ट कर दिया है। अब मैं आपको बता देता हूं अगेन 2 चीजें कि रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब उस पूरे फ्रीक्वेंसी में उस कितनी फ्रीक्वेंसी उस पर्टिकुलर रेटिंग में आई हुई, और जब हम इस तरह की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं तो इट इज बेसिकली द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी इन द क्लास डिवाइडेड बाई टोटल फ्रीक्वेंसी, और जब ये आ जाता है इसको बोलते हैं रिलेटिव फ्रीक्वेंसी। और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, वही रिलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रही है अमंग द रेटिंग्स, दैट इज नोन एज द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत ही आसान। द सेम वे परसेंटेज, जो पहले क्लास में जो 2 वैल्यूज आई थी वो टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना परसेंट है,
10% है. और हाउ द परसेंट फ्रीक्वेंसी इज डिस्ट्रीब्यूटेड इज नोन एज द परसेंट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, नथिंग सीरियस इन दिस. अब इसको निकालने का एक ही फार्मूला है एंड आई थिंक दैट यू आर नोइंग, और हम इसको वर्कआउट करना चाह रहे हैं. कैसे करना चाह रहे हैं? रिलेटिव फ्रीक्वेंसी हमने पुअर का निकालना है, तो करना क्या है, 2 डिवाइडेड बाई 20, दिस इज 0.1. यदि बाय द वे हमें एक्सीलेंट का निकालना है तो 1 डिवाइडेड बाई 20, इट इज कमिंग टू 0.05. तो ये जो ये वाला जो कॉलम हुआ, जो ये वाला कॉलम हुआ, दैट कॉलम वी कॉल एट द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी. और इसी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में यदि आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको परसेंट फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा. तो आई मीन टू से रिलेटिव फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी से निकालना, परसेंट फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी से निकालना बहुत ही आसान काम है. लेकिन इससे हमको पता क्या लग रहा है, वॉट यू आर गेटिंग आउट ऑफ इट, ये इंपॉर्टेंट है सोचना. इसमें आपको मिल क्या रहा है ये अब आप जरा सोचिए. आप यदि बताना चाहते हैं तो मैं एक मिनट पॉज भी कर सकता हूं. Would anyone tries to simplify the message of this particular table? क्योंकि वही हमारा intellectual जो contribution है इस table में वही होगा. आप में से कोई बोलेगा? Yeah, should I keep on moving? Sir, may I? Yeah, please. Oh, so nice of you. I think the summer it can be summarized as from this table that. If you take average or 5 as the base, then there are more number of orchards which fall into category either average or above average, and comparatively less are there which are below average or poor category. क्या बात है, गजब, excellent, यही इसका message है. और मुझे लग रहा है कि देखिए आप सभी लोग इसको जानते हैं, वही जो आप बता रही थी वही मैंने लिखा हुआ है. तो I assume that you all are knowing this well. Just I am touching it. So this is great. है ना मैसेज, यही मैसेज. और यही पे हम अलग हो जाते हैं पढ़े लिखे लोगों से और इलिटरेट लोगों से. यही एक्यूमेन है, यही इंटेलिजेंस है. So I think that we are clear about this. And if you agree, I can proceed further. But जो मेरा मैसेज है इस पूरे टेबल वगैरह के प्रोसेस से, द गेम इज वेदर यू आर लुकिंग द इशू एज ए फॉरेस्ट मैनेजर आर एज ए रिसर्चर, ये आपके दिमाग में होना चाहिए. आप यदि रिसर्चर की तरह बात करेंगे तो आपको हर चीजों की बात करनी पड़ेगी, पुअर कितना है, बिलो एवरेज कितना है, एवरेज कितना है. लेकिन मैनेजर की तरह बात करेंगे तो आपको ये बात करनी पड़ेगी कि एवरेज लेवल तक कितने सीडलिंग्स थी, तो बोलेगा कि 50% थी, और एवरेज से ऊपर कितनी थी तो 50% था. क्योंकि हमारा ओरिएंटेशन, हमारा ऑब्जेक्टिव बदल रहा है, तो उस हिसाब से हमें टेबल की रीडिंग बदलती रहती है. और ये हम सभी लोग करते हैं, जब हम लोग कुछ परचेजिंग के लिए जाते हैं तो हम लोग ये करते रहते हैं. जब हमें परचेजिंग करना है तो बेसिकली वी आर मैनेजिंग अवर सेल्फ, तो हम देखते हैं कि यार ये बहुत महंगा तो नहीं हो गया हमारी मेरी कैपेबिलिटी. जैसे मैं कोई कपड़ा खरीदने गया एंड आई फाउंड दैट इट इज 2000-3000, तो मैं देखता हूँ कहीं मेरी कैपेबिलिटी से बाहर तो नहीं हो गया, तो वहां मुझे मैनेज करना है. लेकिन जब मैं रिसर्च करता हूं तो मुझे ये लगता है कि कितने ट्रीज ऐसे हैं जिसका वॉल्यूम 100 नंबर ऑफ ट्रीज से ज्यादा है, और कितने ऐसे हैं जो बेचारे अभी तक भी संघर्ष कर रहे हैं 10 क्यूबिक मीटर अटेंड करने के लिए. तो ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव जो डिफरेंस है दैट हैज टू बी इन्फ्यूज्ड व्हाइल इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स आर एनी डेटा. सो दैट्स ग्रेट फ्रॉम यू पीपल, गुड कंट्रीब्यूशन. अब आते हैं डायग्राम्स पे. डायग्राम में बहुत से नाम बताते रहते हैं लोग, बहुत कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं. सिंपल बार डायग्राम, उसी सिंपल को जब पार्टीशन कर देते हैं तो उसको सब डिवाइडेड बार डायग्राम बोल रहे हैं. जब उसमें परसेंटेज का डेटा इन्फ्यूज कर देते हैं तो परसेंट बार डायग्राम बोलने लगते हैं. मल्टीपल जब उसमें 2-3 चीजों को एक साथ बना देते हैं तो उसको मल्टीपल बोल देते हैं. अब आप कहेंगे कि इसको कंफ्यूजन इतना ज्यादा क्रिएट किए क्यों लोग, तो दो चीजें हैं. एक तो ऑब्जेक्टिव के बेस पे जो आपका इंटेंडेड यूज होता है उसके बेस पे चीजों को डिस्क्राइब करने का लोगों ने प्रयास किया हुआ है. पहले जो हमारे से पहले लोग एंसेस्टर थे, उन लोगों को जब ऐसी जरूरत पड़ी होगी तो उन लोगों ने एक नया आइडिया दिया होगा, हम तो अब बोरोड आइडिया पे चल रहे हैं. तो ये जो इशूज है इसको भी जरा 1 बाय 1 हम लोग देखने का प्रयास करते. सो वाई ग्राफिक, पहला तो एक क्वेश्चन ये है जो कि एज ए स्टैटिस्टिशियन मैं कई बार स्ट्रगल करता हूँ, और लेट with my late experience I realized that yes, my earlier colleague was in good way, they are better than me, as they were repeatedly saying ki a picture is worth 1000 words. kyunki hamari aankhon ki jo trend dekhne ki capabilities hai, aur trend ko jo visualize karna aur trend ko jo
इवेल्युएट करने की जो कैपेबिलिटीज जो हमारे दिमाग की है वो बहुत ही फास्ट है और उससे चीजें बड़ी आसान हो जाती हैं, इसलिए ग्राफ को लोग प्रीफर करते हैं। अदरवाइज आप कभी आज से हमसे दो एक साल पहले यदि मिले होते तो मैं ये बोलता कि यार नहीं यार आप नंबर बताया करो, टेबल ओवल इज बेटर, दैट कॉन्टेंट द न्यूमेरिक वैल्यूज। बट लेटर ऑन विद द एक्सपीरियंस एंड द इंटरेक्शन विद द पीपल अक्रॉस द वेरियस डोमेन रेंजिंग फ्रॉम द बॉटनी, जूलॉजी, मेडिकल साइंसेज, सोशियोलॉजिस्ट, एंथ्रोपोलॉजिस्ट एंड द मैनेजमेंट पीपल एंड द अदर जियोग्राफर्स, सो मुझे लगा कि नहीं मेरी थिंकिंग गलत है, वहां पे थोड़ी मॉडिफाई करने की जरूरत है। तो पिक्चर का इंपॉर्टेंस ये है एंड ग्राफ इज बेसिकली अ पिक्चर। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ ग्राफ्स रेंजिंग फ्रॉम द बार टू द हिस्टोग्राम एंड बॉक्स प्लॉट, सो वन बाई वन कभी बीच में आता है तो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। उद्देश्य वही है कि हमें अपने डेटा को समराइज करना है, उसके अलावा कोई और उद्देश्य नहीं है। इस लैंग्वेज पे लैंग्वेज का मतलब इतना ही है कि आपको अपना डेटा समराइज करना है। कैसे? बार चार्ट, बार चार्ट, पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बॉक्स प्लॉट, ये सब इंटरचेंजेबली यूज होने वाली चीजें नहीं है कि मेरा मन किया तो मैंने बार बना दिया, मेरा मन किया तो मैंने लाइन बना दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। दिस हैज सम साइंस, सम बेसिस फॉर डिसाइडिंग व्हेन यू आर गोइंग टू यूज द बार चार्ट। बार चार्ट क्वालिटेटिव डेटा के लिए यूज होता है। क्वालिटेटिव डेटा के लिए इसलिए यूज होता है कि क्वालिटेटिव डेटा कंटिन्यूअस नहीं होता। यदि होता भी है कंटिन्यूअस तो हम उसकी कंटिन्यूटी इंश्योर नहीं करा पाते। जैसे मैं बोलूं सीनिक ब्यूटी, आप बोलेंगे सर सीनिक ब्यूटी में क्या है, एक तरफ से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, बढ़ता है, आई एग्री विथ यू, लेकिन जब आप क्लास बनाते हैं तो उस क्लास में पहला क्लास दूसरे क्लास से एकदम बॉर्डर पे कनेक्टेड हो जाए, ये नहीं हो पाता, इसलिए वो डिसकंटिन्यूअस होता है। जब डिसकंटिन्यूअस होता है तो बार चार्ट बनाते हैं। तो आपके लिए एक ब्रह्मवाद कि जब भी हमारे पास डेटा क्वालिटेटिव होगा आपके रिसर्च में, आप ये बताना चाह रहे हैं कि पोल्यूशन लोड जो है वो अच्छा है, बुरा है, खराब है, तब ये क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, ये बेसिकली एक ऑर्डिनल डेटा है, इसलिए इसमें हम लोग बार चार्ट यूज करेंगे। अब मैं बता दे रहा हूं कि नॉमिनल और ऑर्डिनल डेटा क्या होता है। नॉमिनल डेटा एनीथिंग, एनी वेरिएबल वेयर यू आर डिसाइडिंग थिंग्स बेस्ड ऑन द नेम, that is known as the nominal data, and anything, any variable in which the various labels of the variable is deciding based on the certain order, we are calling it as the ordinal data. For example, आप जहां बैठे हैं उसके सामने की दीवार को देखिए, आप उसका बताएंगे red, white, green, लेकिन मैं ये बोलूं कि green बढ़िया है कि red बढ़िया है तो आप बता नहीं पाएंगे कि कौन सा बढ़िया है, क्योंकि आप इस लेबल पे चीजों को देख नहीं रहे हैं। तो आप बोलेंगे सर हमने तो इसको डिफाइन किया था नेम के बेस पे कि रेड का ये है, ब्लैक का ये है, ग्रीन का ये। तो उस तरह के डेटा को बोलते हैं नॉमिनल डेटा। जैसे मैं बोलूं जेंडर को क्लासिफाई कीजिए, मेल फीमेल, आप ये नहीं कह सकते कि मेल इज बेटर देन फीमेल और फीमेल इज बेटर देन मेल, इस तरह का कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती है, कोई उसको क्रिएट करने की जरूरत नहीं। ऐसे केसेस में हम लोग नॉमिनल डेटा का यूज करते हैं। ऑर्डिनल डेटा में सीनिक ब्यूटी, आप कहेंगे यस दिस इज द बेस्ट वन, इससे ये थोड़ा कम है, उससे ये थोड़ा कम है, ये पुअर है, तो एक ग्रेड बना रहे हैं, एक रैंक बना रहे हैं, उस रैंक का मतलब एक ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं ऑर्डिनल डेटा। तो अब जो हवा चलती है, हवा में यदि ब्रीज का यदि आप उसको डिफाइन करना चाहें, कैसा ब्रीज है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही खराब, बीच का, जैसे आप कभी कभी कोस्टल रीजन में जाते हैं, आप सी की तरफ जाते हैं, वहां पे आप देखेंगे हवा सुबह में बहुत ही शानदार चल रही है, दोपहर में थोड़ा डिफरेंट हो गई है, शाम में कुछ डिफरेंट हो गई है, तो आप उसका एक लेबल बना रहे हैं। तो वहां पे ग्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज है, तो जहां पे ग्रेडिंग की पॉसिबिलिटीज है वहां पे ऑर्डिनल डेटा होता है। और जनरल तौर पे जो बार चार्ट होता है उसमें एक हॉरिजेंटल और वर्टिकल डाइमेंशंस होते हैं, जो भी कैटेगरीज होती हैं इन जनरल एक्स एक्सिस पर रखते हैं और फ्रीक्वेंसी को वाई एक्सिस पर रखते हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बार चार्ट बनाते हैं, परसेंटेज फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का बार चार्ट बनाते हैं, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का बार चार्ट बनाते हैं। तो आप ध्यान रखिए कि उसको जनरल तौर पे एक्स एक्सिस पे कैटेगरीज को रखा जाता है, लेकिन ये कोई मतलब ब्रह्म वाक्य नहीं हो गया कि नहीं नहीं हम तो अब करेंगे नहीं, नहीं नहीं, यू कैन पुट दिस कैटेगरी ऑन वाई एक्सिस ऑल्सो डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। ये है बार चार्ट। नीचे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तरह तरह की क्रॉप्स की बात कर रहा हूं और यहाँ पे उसका एरिया है, एरिया भी समसाड़ा फ्रिक्वेंसी की तरह ट्रीट कर रहे हैं, कितने एरिया में, तो हम लोग बता रहे हैं वीट जो है करीब करीब 260 एरिया मिलियन 1000 हेक्टेयर में स्प्रेड है। तो इस तरह की जब प्लॉटिंग करते हैं इसको बोलते हैं बार चार्ट। बार चार्ट में ये एसेंशियली रिक्वायर्ड है कि दो बार के बीच में गैप होता है, वो कनेक्ट नहीं हो सकता, कनेक्ट इसलिए नहीं हो सकता कि वो कंटिन्यूअस डेटा नहीं है, कंटिन्यूअस फिनोमिना नहीं है।
वीट और राइस कंटिन्यूअस कंटिन्यूटी में नहीं हो सकता, 1.2 और 1.3 कंटिन्यूअस डेटा हो सकता है, लेकिन वीट और राइस कंटिन्यूटी में नहीं आता, इसलिए हम लोग इसको बार चार्ट में ये चीजें अलग अलग होती है। अब ये देखिए, अब आपको पहली बार चार्ट में मैं दिखा रहा था कि डिफरेंट क्रॉप्स की क्या एरिया कितने एरिया में ग्रो हो रहा। अब मैं ये कह रहा हूं कि आप हमें ये बताइए कि 2020 और 2021 में चार क्रॉप किस तरह से रिफ्लेक्ट हो रही थी, कितने कितने एरिया में ग्रो किया था आपने, तो आप इस तरह से ग्राफ बना सकते हैं। इसको बोलते हैं सब डिवाइडेड बार डायग्राम। अभी सब डिवाइडेड में एक्चुअल एरिया के बेस पे आप कर रहे हैं तो ये सब में एरिया आ जाएगा, यदि सबका प्रोपोर्शन कर रहे हैं तो पूरा प्रोपोर्शन तो 100 होगा, तो इसलिए इसमें आप देखेंगे इस बार की लेंथ सब बराबर हो गई, और इसका लेंथ बराबर होने से आप इजीली इसको इंटरप्रेट कर पाएंगे देन दिस वन। तो इसका पर्पज ये है इस ग्राफ का कि आप बता पाए कि कितने एरिया में हो रहा है, और इसका पर्पज ये है कि आप जनरलाइज स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कितने परसेंट एरिया में कौन कौन सी क्रॉप किस किस ईयर में ग्रो हुई थी, ये बोलते हैं सब डिवाइडेड। और इसी सब डिवाइडेड को यदि आप उस तरह से न करके आप इसके अलग अलग बार बना रहे हैं 2020 का, 2021 का, 2022 का, तो इसको हम लोग बोलते हैं, इसको मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। है एक ही चीज, आपको जैसे अच्छा लगे, जैसे अच्छा लगे का मतलब यस आई मीन टू से एज ए डेटा डेटा सोर्स के जो आप मालिक हैं, आपको जैसा मन करे जो अच्छा लगे वो आप उसमें डाल दीजिए, क्योंकि वो आपकी चॉइस है, उसमें कोई मतलब बहुत बड़ी साइंस की बात नहीं। और आपकी चॉइस का मतलब मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, क्योंकि यू आर डूइंग योर रिसर्च एंड यू हैव द ह्यूमन एंड इंटेलिजेंस, वॉट एवर यू विल बी डूइंग दैट वुड बी फैंटास्टिक। पाई डायग्राम क्या है? पाई डायग्राम का बेसिकली मतलब है कि आप अपने पूरे डेटा का परसेंटेज निकाल लीजिए, और उसका एंगल निकालने का तरीका होता है, एंगल निकाल लीजिए, और उस एंगल को निकाल के उस जो पूरा जो जो सर्किल है उस सर्किल में उसकी एरिया को कंपोनेंट को डिवाइड कर दीजिए, उसको बोलते हैं पाई डायग्राम। पाई डायग्राम की भी अपनी एक खास बात है कि आप इसमें सिगमेंट वाइज आप चीजों को जानने लगते हैं, और जो एरिया जो है उस जो एंगल है जो उस सिगमेंट का जो एंगल है वो उस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है। तो कोई बहुत बड़ी बात इसमें प्रॉब्लम है नहीं, मतलब आपको इसमें कोई बहुत ज्यादा सोचना नहीं है कि जी हमको तो बहुत प्रॉब्लम होगी, आप कमांड दीजिए कंप्यूटर में खट से आ जाता है। तो पाई चार्ट बनाने का ये मतलब है। इन जनरल यदि आपके पास बार वगैरह का तरीका एग्जिस्ट कर रहा है तो बार बना लीजिए, और यदि मौका नहीं है, मौका ऐसा सूट कर रहा है तो पाई भी बना लीजिए। दूसरे चीज का रिपीट नहीं करना चाहिए, एक ही चीज का कई ग्राफ नहीं बनाना चाहिए, वो गलत है, वो साइंटिफिक चीटिंग है। अब आ गया लाइन डायग्राम। अब हमें तो मन किया कि नहीं ना, हम तो लाइन डायग्राम बनाएंगे, भाई बना लीजिए, कौन मना कर रहा है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब मैं आपसे ये प्रश्न पूछ रहा हूं जिसका मुझे आंसर चाहिए। अब मैं आपको दो ग्राफ दिखाऊंगा और मैं ये पूछूंगा, मैं ये जानना चाहूंगा आप लोगों से कि लाइन ग्राफ किसमें बना सकते हैं। क्वेश्चन है, हमारे पास डेटा है नंबर ऑफ क्लिनिशियन वर्किंग इन ईच क्लिनिक ड्यूरिंग 4 years इन ए सिटी। ये हमारे पास क्वेश्चन है, मतलब हमारे पास 4 साल का डेटा है जिसमें कि अलग अलग क्लिनिशियंस जो हैं, जिसमें कितने क्लिनिशियंस हैं जो काम कर रहे हैं, उनका डेटा मेरे पास अवेलेबल है, और मैं ये चाहता हूं कि आप इसका एक चार्ट बना दीजिए। और मैंने 2 चार्ट बनाया हुआ है, लाइन चार्ट 2 बनाया हुआ है मैंने। ये लाइन चार्ट पहला है, ये पहला लाइन चार्ट है, ये लाइन ग्राफ जो 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 होना चाहिए था वो मैंने बनाया हुआ है, और इसके बाद एक दूसरा जो पॉसिबल था वो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। सो बेसिकली मैं ये जानना चाह रहा हूं कि आप लोग ये मुझे बताइए कि इन दोनों में से सही कौन सा है, ये वाला और ये वाला। फर्स्ट 1 सर। फर्स्ट 1 सही है। कितने लोग ऐसे हैं, मतलब प्रपोर्शन में पूछ रहा हूँ, कितने लोग ऐसे हैं जो कि कह रहे हैं सेकंड 1 सही, और कितने लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं फर्स्ट 1 सही? जल्दी जल्दी बोलिए तो जरा, 2-4 लोग। सर सेकंड वाला दिखाइए एक बार, ये मैं दोनों को एक स्लाइड में ला दूं क्या? सर सेकंड वाला सही है। क्लियर, सेकंड वाला सही है, ओके। और कोई आप लोग बोलो, कोई बात नहीं, आप लोग कई नए आइडिया दोगे, बोलने का सबसे बढ़िया पॉइंट ये होता है कि बच्चे लोग कई आइडियाज टीचर्स को दे जाते हैं। वाला करेक्ट है। कौन सा वाला? सेकंड। ओके, और कितने लोग हैं सेकंड के साथ, कितने लोग हैं फर्स्ट के साथ? यार मतलब आप लोग सो तो नहीं रहे हो। फर्स्ट 1 ठीक है सर। फर्स्ट 1 ठीक है, ओके गुड।
ओके अब अच्छा ये चार लोग भी मतलब इट्स आई कैन अज्यूम दैट समवन मोर इज विलिंग टू आंसर बट थोड़ा सा हम लोग को और भी चीजें कवर करनी है थोड़ा सा सोचते हैं कि क्यों फर्स्ट सही है और क्यों सेकंड सही है कोई बताएगा सर सेकंड वाले में क्लिनिक जो है ना वो अच्छे से डिवाइडेड नहीं है क्लिनिक को हम आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना ये चीजें हैं चलिए मैं आप लोग को एक हिट दे रहा हूँ आप लोग देखिए इसमें जब भी लाइन की चीजें बात होती है तो लाइन क्या होता है कंटिन्यूअस है लाइन की डिस्क्रीट है कंटिन्यूअस सर कंटिन्यूअस अब आप लोग देखिए कि दोनों में से एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज कंटिन्यूअस है और कौन सी चीज डिस्क्रीट फर्स्ट वन में इयर्स कंटिन्यूअस है और क्लिनिक कंटिन्यूअस नहीं है Yes. एक क्लिनिक दूसरे क्लिनिक से कनेक्टेड नहीं है वो कंटिन्यूअस नहीं है लेकिन ईयर जो है आज के बाद अगला ईयर आएगा वो एक दूसरे से कंटिन्यूटी में बन रहा है तो जब भी हमें लाइन ग्राफ बनाना है तो हमें देखना है कि हमारा वेरिएबल कंटिन्यूअस लाइन ग्राफ इन जनरल इसीलिए टेम्पोरल डेटा के साथ बनाया जाता है तो सेकेंड वाला जो है उसमें हमारे कुछ कुलीग्स को कंफ्यूजन हो गया वो थोड़ा सा मुझे बताने में दिक्कत हो गई कि तीन क्लिनिक थे अदरवाइज दे कुड हैव बीन ऑप्टेड द फर्स्ट वन तो फर्स्ट वन में चूंकि वो कंटिन्यूअस चीजें चल रही हैं इसलिए हम लोग जो हमारा ये ग्राफ है लाइन वाला वो फर्स्ट वाला सही इज इट ओके ये ठीक है कि मेरे आर्गुमेंट से आप लोग डिसएग्री कर रहे हैं तो थोड़ा हम लोग उस पर डिस्कस कर लें इज इट ओके यस सर ओके सो अगेन मैं एक और ग्राफ दिखा रहा हूँ मैं ऐसे ही आप लोगों को ग्राफ दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग के दिमाग में ये छप जाए और कभी जरूरत हो तो आप लोग ऐसा सोचें ये क्या है पॉपुलेशन पिरामिड वो आपने पढ़ा हुआ है गुड 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 ये पॉपुलेशन पिरामिड बोलते हैं इस पॉपुलेशन में क्या है कि एक साइड में ये ब्लू वाला है इसमें मेल की पॉपुलेशन एज वाइज दी है और इधर फीमेल की पॉपुलेशन एज वाइज दी है बेसिकली यदि आप इसको उल्टा कर देंगे तो आपको लगने लगेगा कि ये और नीचे वाला मैं डिलीट कर दूं यदि ये वाला मैं डिलीट कर दूं तो आपको ये उल्टा करूंगा मैं जैसे इसको 180 डिग्री पे मैं 90 डिग्री पे वो रिवॉल्व करूंगा तो ये आपको हिस्टोग्राम देखने लगेगा तो इसलिए आप लोग भी ऐसे जो पिक्चर हैं ऐसे जो ग्राफ हैं उसको बनाने के लिए सोचिए कभी अपने डेटा के साथ प्ले विथ योर डेटा अपने डेटा के साथ प्ले कीजिए अपने डेटा के साथ बात कीजिए कि यार मैं कैसे तुमको प्रेजेंट कर दूं कैसे तुमको अच्छा लगेगा अब वो तो बोलेगा नहीं कि हम किस मामले में अच्छे हैं लेकिन जब वो आप बनाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिख जाएगा कि वो कह रहा है कि नहीं मैं इस लेवल पर अच्छा बताऊँ तो आपको मजा आएगा सो दिस इज इट इज बेसिकली टू हिस्टोग्राम प्रेजेंटेड साइड बाई साइड ऑन द राइट मेल्स एंड लेफ्ट इज फीमेल द बिन सोज आर द फाइव ईयर एज कैटेगरीज पॉपुलेशन पिरामिड आर यूजफुल फॉर प्रेजेंटिंग डिस्क्रिप्टिव डेटा अबाउट द पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आर स्टडी पॉपुलेशन यही हमारा पर्पस तो इसलिए इस तरह के डायग्राम्स को भी सोचना चाहिए मैं ऐसे कई डायग्राम्स आपको दिखाने वाला हूं ट्राइंगल डायग्राम्स आपको तीन वेरिएबल्स को कई गांवों के लिए दिखाना है तीन वेरिएबल्स तीन जो पैरामीटर्स थे आपके पोल्यूशन के कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड और एसपीएम आप इन तीन को दिखाना चाह रहे हैं पांच सिटीज के लिए एक साल का डेटा मीन डेटा को आप रिफ्लेक्ट करना चाह रहे हैं आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्राइंगल डायग्राम के साथ ट्राइंगल डायग्राम बोलते हैं ये त्रिभुज टाइप की चीजें और आप देखेंगे इस बीच में ये बता रहा है कि रेड वाला जो है अर्बन है और ये जो ब्लू वाला है वो रूरल है तो इस तरह के डायग्राम भी आप बना सकते हैं और एक्सेल में ये फैसिलिटीज अवेलेबल है इसको बोलते हैं ट्राइंगल डायग्राम इस तरह के डायग्राम्स को भी आप बना सकते हैं आपने तीन के बजाय आपने आठ पोल्यूशन इंडिकेटर्स ले लिए SPM ले लिया SO4 ले लिया NO2 ले लिया और भी जो तमाम चीजें हैं मुझे इतनी पकड़ नहीं है आप उसको इस तरह से बता सकते हैं और इसको वी कॉल इट एज द स्पाइडर डाइग्राम और इसमें भी आप कई ये जो बीच वाला है वो दूसरा है ये वाला दूसरा है तो आप एक सिटीज का दो सिटी तीन सिटी पांच सिटी जितना भी आप दिखा सकते हैं लेकिन ये स्पाइडर डाइग्राम बनने के बाद आपको देखना पड़ेगा कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा आ रहा है तो ठीक है मजा आ रहा है मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कहीं आपका मन कर जाए कि मैं 25 को दिखा रहा हूँ 25 सिटीज को तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि इट इज योर चॉइस देन देयर इज अनदर डायग्राम टर्म एज द वैगन व्हील आप वैगन व्हील में एक बड़े से सर्किल में छोटे छोटे सर्किल डालते चले जाइए और हर सर्किल अलग अलग चीजों को इंडिकेट कर रहा है देखिए हमने सबसे छोटे में ग्लोबल रखा है रीजनल लिखा है लोकल रखा है और हाउस होल्ड को रखा है क्योंकि मैं प्रस्पेक्टिव मेरी प्रस्पेक्टिव में हाउस होल्ड को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना चाह रहा था आप उल्टा कर सकते हैं ग्लोबल रीजनल लोकल एंड हाउस होल्ड और वहां के बेस पे आपको चीजें बता दीजिए इंडोर एयर लेबल या जो इंडोर एयर को
मैनेज करने के जो प्रोटोकॉल्स हो सकते हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, हाउसहोल्ड पे क्या हो सकते हैं, लोकल पे क्या हो सकते हैं, रीजन पे क्या हो सकते हैं और ग्लोबल पे क्या हो सकते हैं। इस तरह का कभी आपके दिमाग में कोई चीज आए तो आप वैगन व्हील बना सकते हैं। ये फिगर बोलते हैं इसको, ग्राफ से हट गया है, ये फिगर बोलते हैं इसको। तो ऐसी चीजें आपके आपके दिमाग में रहनी चाहिए, मैं ये बोलना चाह रहा था। अब आइए जरा आगे चलते हैं। हमने क्या किया कि हमने नंबर ऑफ लीव्स कलेक्ट किया 16 प्लांट, और ये 16 प्लांट में जब हमने लीव्स कलेक्ट किया तो हमें पता लगा कि जो लीव्स आ रही हैं 60-70 में कितने नंबर ऑफ ट्रीज में आ रही हैं, और 70-80 में कितने नंबर आ रहे हैं, कितने नंबर लीव्स आए थे कितने नंबर ऑफ ट्रीज में, 80-90 नंबर ऑफ लीव्स कितने ट्रीज में थे, इसका मैंने एक फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना लिया। और आप नोट करेंगे कि ये डेटा को मैंने कंटिन्यूअस बनाया हुआ है 60-70, 70-80, 80-90, 90-100, तो ये क्वालिटेटिव डेटा नहीं रहा, ये कंटिन्यूअस डेटा हो गया। और जैसे ही कंटिन्यूअस डेटा हुआ हम लोगों ने इसका हिस्टोग्राम बना दिया। तो हिस्टोग्राम भी वही बार चार्ट की तरह से है, आपको जो कैटेगरीज है, जो कैटेगरी यहाँ पे हुआ क्लास जो 60-70, 70-80 की बात कर रहा था उसको आप नीचे बना दीजिए और ऊपर फ्रीक्वेंसी बना दीजिए। इसमें बार जो है आपस में कनेक्टेड होगा, और यहाँ पे एरिया जो होता है हिस्टोग्राम का दैट इज प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास। ये मैं बताने के लिए बोल रहा हूँ, कभी कभी एग्जाम में लोग पूछ लेते हैं, आपको ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज सबको पता है। तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, और हिस्टोग्राम कई तरह का होता है। आप जैसे देखो ये भी एक हिस्टोग्राम है, यहाँ से आपको पता लगेगा कि 75 वाला जो जिसकी मिड वैल्यू 75 है, दैट मीन्स 60-70 वाला जो क्लास, और 70-80 वाला जो क्लास है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, ये इस चार्ट से पता लगता है। ये आपको जानने का, ये हिस्टोग्राम के थ्रू आपको ये मैसेज मिलता है। देन एक बाइवेरिएट हिस्टोग्राम भी है, लेकिन मैं इसको बोलूंगा जनरल तौर पे आप इसको यूज मत कीजिएगा, इसका कोई बहुत ही मतलब होता नहीं है, लोग कंफ्यूज और होते हैं, ट्राई टू अवॉइड इट। और जब आप हिस्टोग्राम को एक रफ स्केच से मिलाने लगते हैं तो ये बेसिकली यहां से कन्वर्ट होके वो एक लाइन डायग्राम बनने लगता है, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो ये बेसिकली आपको आपको ये जानने की जरूरत है, इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द डेटा इन थ्रू द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर थ्रू द सम ग्राफ चार्ट्स एंड फिगर्स।